आज की सुपर फास्ट लाइफ में टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन जब यही टाइम ट्रैफिक जैम में खराब होता है तो सच बता रहा हूं बुरा भी बहुत लगता है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए आगे एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टील के वैक्यूम ट्यूब्स में कैप्सूल जैसे छोटे छोटे पोर्ट्स में 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे। यार इमेजिन करते ही साईफाई मूवी जैसा फील आने लगता है, लेकिन ये सच भी है। इंडिया में तो मुंबई से पुणे तक इसका काम भी शुरू हो चुका है। जहां पहले मुंबई से पुणे में जाने में 3 घंटे का टाइम लगता था, इसके बनने के बाद मात्र 30 मिनट लगेंगे। अब दुनिया बदलने वाली है, तैयार हो जाओ सुपर फास्ट भागने के लिए। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी माँ को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी माँ को दूसरों के यहाँ काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उस पर अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाली ई बाइक या फिर साइकिल तो देखी होगी, चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ई बाइक सुनी है या फिर देखी है जो कि पानी पर चलती हो? जैसा आपका भी रिएक्शन है वैसा मेरा भी था, लेकिन ये बात सच है। रशिया ने एक ऐसी ई बाइक बना ली है जो कि पानी पर चलती है। एक्चुअली वो कार्बन फाइबर से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्की है और इसमें एक छोटा सा इंजन लगाया गया है जिससे पैडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप इसे पानी में बहुत तेजी से चला सकते हो। और इसे हाइड्रोफोइल ई बाइक भी कहते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड, जिस दिन मुझे ई बाइक दिखी मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये ई बाइक दिखेगी तो आप ट्राई करना पसंद करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।